नमस्कार भारतवासियों, गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है। भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। इसके पीछे का एक रहस्य है। उस रहस्य से मैं पर्दा हटाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एक बार परशुराम जब भगवान शिव से मिलने पहुँचे कैलाश पर्वत, तो वहाँ गणेश जी द्वार पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि पिताजी अभी ध्यान मग्न हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। तो परशुराम जी ने भगवान शिव से मिलने की बार बार कोशिश करी, लेकिन भगवान गणेश उन्हें रोक लेते। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम ने अपने फरसे से गणेश पर वार किया। ये वही फरसा था जो भगवान शंकर ने परशुराम को दिया था। भगवान गणेश ने उसका आदर करते हुए उस फरसे के वार को खाली नहीं जाने देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने उस फरसे को अपने दांत के ऊपर ले लिया। उस फरसे की चोट की वजह से उनका दांत टूट गया और इसीलिए शास्त्रों में उन्हें एक दंत कहा गया। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय।